बीड़ी डबल डोज टीका ठीक है, किसी का कम नहीं, जितना यात्री आया था 60-62 आदमी सबका डबल डोज टीका है। नाम करना है तो ऋषिकेश में नाम कर देने का, हम नहीं आने का, 30 किलोमीटर आगे आपस जाने का कितना दुख लगेगा, वो परिवार लेकर सार आया था। अब बोल रहे हैं हम जी करेगा हमारी क्या परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दुख परेशान करता है। कहाँ से आए? ओडिशा में। अच्छा, तो यात्रा पे नहीं जा रहे हैं आप? ई पास नहीं है? नहीं। तो ई पास क्यों नहीं बनवाया आपने? आपको किसी ने बताया? नहीं जानता भैया, क्या दिक्कत हुआ था, ई पास क्यों नहीं बनवाया आपने? ये सर वहाँ से हरिद्वार से भिजवा दिया, ऋषिकेश में रोक देगा पुलिस चेक पोस्ट पर। वहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से एक बराबर में दो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ बना के दिया हमें मोबाइल में, और उसके बाद कहा कि आप जा सकते हैं। बीच में कई जगह हमें रोका, वो दिखाया मोबाइल का और आने दिया, लेकिन यहाँ के आने के बाद यहाँ मना कर दिया कि शाम को 4 बजे देखते हैं। फिर रात होगी, फिर सुबह कहा कि सुबह 8 बजे जाओगे आप, सुबह 8 बज गए, आप बोल रहे हैं कि फिर 3 बजे जाओगे, तो कोई समाधान नहीं हुआ। यह तो ऋषिकेश से आने मत दो, जो कागज नहीं है, पेपर नहीं है पूरे हमारे पास, तो आने मत दो यहाँ पर। यहाँ आ रहे हैं, यात्री का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, हम भी परेशान हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का वो नहीं है, तो थोड़ा सा ये आप लोग सोचो। भैया क्या दिक्कत हो रहा है? भाई साहब मैं दिल्ली से चला था पहाड़गंज से, कस्टमर को बोला मैंने ऑनलाइन आपका दर्शन पास बना हुआ है, बोल रहा नहीं, तो मैंने कहा भैया नहीं हो पाएगा मेरे को, मैंने पूछा ड्राइवर से फोन करके पूछा, बोले भाई बिगर दर्शन पास के नहीं जाने दे रहे, तो बोला नहीं हमारा एक गाड़ी गया है, अभी यात्री नहीं जा रहे हैं, 1000 की छूट दे रखा है, अभी तो यात्री 500 पहुंच रहे हैं, तो अभी ई पास के बिना भी जाएंगे, गाड़ी का ई पास बना लेना चला जाएंगे। मैं ऋषिकेश आया, ऋषिकेश मैंने पास बनवाने के लिए बोला भैया आपको मैं ई पास बना देता हूँ, पांडुकेश्वर और मानागांव आप ये दिखा के आप जा सकते हैं, बद्रीनाथ का नाम मत लेना, ठीक है? 2-3 जगह हमने पास बनवा के बोले 200 रुपये पर हेड बनेगा, 4 बंदे 800 रुपये लगेंगे आपका, मैं ई पास बना देता हूँ ऋषिकेश में, बोले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यात्रा कर सकते हैं। मेरा एक ही धाम था बद्रीनाथ, ठीक है बनवा के आया, 3-4 जगह रोका मैंने, RTO ने रोका, कहीं पुलिस वालों ने रोका, बनवाया मैंने, दिखाया, बोले आप जाओ, कहीं किसी ने ये नहीं बोला कि आप नहीं जाओ ऊपर, सब बोले आप जाते रहो। जब भैया अगर इतना ही पास का है तो आप बॉर्डर से मत आने दो, जैसे हम टैक्स कटाते हैं ना ऐसे हम ये दर्शन पास भी बनवा सकते हैं वहाँ पर, वहाँ अगर टैक्स कटाने रुकते हैं हम तो वहाँ दर्शन पास भी बन सकता है। जो ऑनलाइन का क्या, आधे लोग बना के उसका बिजनेस भी बना ले रहे हैं कि दर्शन पास हमारे पास है, मुँह मांगी रकम मांगेंगे, फिर परेशानी तो बाहर के जो कस्टमर आते हैं उनको परेशानी होती है, फिर आम ड्राइवर परेशान होते हैं। अब अभी अगर इन्हें वापस ले जाऊंगा, जो मेरे को पैसा देंगे नहीं देंगे ना, लड़ेंगे कि मैंने यात्रा नहीं करी, आपका पैसा काएगा होगा ना। उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये दर्शन पास जो है उत्तराखंड बॉर्डर पर ही कर दें, या ऋषिकेश में कर दें, जिस उत्तराखंड के जितने बॉर्डर है सब जगह बॉर्डर पर कर दें कि दर्शन पास यहाँ बनवाइए, वहाँ एक घंटा लगे वहाँ आप दर्शन पास बनवाइए फिर आगे जाइए। अब ये एम टाइम पे 20 किलोमीटर पे आ गया, अगर आप किसी को दर्शन नहीं कराओगे तो उसके मन में क्या रहेगी, कितना पैसा, किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, सब तरफ से मतलब यहाँ कोई क्या करेगा, क्या करेगा, नहीं आएगा ना कभी, कुछ नहीं हुआ, कोई हमारा बात नहीं, काम नहीं था, यात्रा खोला तो। आपको कितने दिन हुए घर से निकले हुए? हमारा घर से निकला अभी हो गया 16-17 दिन हो गया सर। यहाँ में जितना तकलीफ होता है काल से, हम जाने क्या वर्णना करूँगा आपका पास, बहुत ठंडे में रात में पड़ा है, छोटा छोटा बच्चा ऐसा, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी है, यहाँ में हम भी एक लंगड़ा आदमी है, देखो ऐसे कितना टाइम दी रात घुमाएंगे, यहाँ लाइट चला दे क्या घुमाएं, कितना रात रहेंगे, कितना कष्ट पाएंगे। जिसको डिसन करता हूँ वो जो पुलिस वाला है ना, हमारा जरना धाम को जाए तो बाहर का यात्री कितना तम अच्छे से पुलिस वाला ट्रीटमेंट करते हैं उनको, लेकिन हम इतना दूर से आए हैं, यहाँ पुलिस वाला हमको मुंह नहीं चाहना, हमको मरा हमारा मुँह नहीं चाहना, रात 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 7 बजे देंगे, 4 बजे देंगे, जाएंगे ऐसा बोला। हमारा आज जाँच भी हुआ, हमारा सबका नाम एंट्री हुआ, जाँच हुआ, लेकिन तो अभी हमको छोड़ते नहीं, फिर हम क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, इतना ठंडा में यहाँ क्या करूँ, कैसे रहूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी सर, एकदम परेशान।
तो भैया कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हमको बहुत हो गई। लोग बोले ड्राइवर साहब आप जाओ उनके पास। सुबह कल सुबह हम यहाँ पे आए, इन्होंने बोला भैया आज ई पास नहीं तो आपको 4 बजे तक देखेंगे। फिर हम 4 बजे आए यहाँ पे, 4 बजे इन्होंने बोला कि तहसीलदार साहब से मिल जाओ। तहसीलदार साहब ने बोला परमिशन दे दो उड़ीसा के 60 आदमी को। फिर बोला कि अभी टाइम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं यहाँ से। फिर आज सुबह जो है 7 बजे बुलाया, 7 बजे हम वहाँ पे गए कि जिनका 2 डोज लगा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका सिंगल डोज है उनकी जांच होगी। सिंगल डोज वालों ने जांच करवाई, नेगेटिव रिपोर्ट आई, उसके बावजूद पुलिस वाले बोल रहा है अब टाइम नहीं, अब वापस चले जाओ यहाँ से। अगर वापस ही जाना था तो ऋषिकेश में बॉर्डर के पास जो है वापस ही चेकिंग कर दो वहाँ से, जिनके पास ई पास नहीं। इतना दूर ला के लोगों के यहाँ पर शाम कर दिया। कोई अधिकारी बोलता है सुबह, कोई बोलता है शाम, कोई 4, कोई 3, लास्ट में 2 दिन खड़ा करके बोल रहा है अब वापस चले जाओ नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद। प्रशासन की तो बहुत कमजोरी यहाँ पे। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो लोकल गाड़ी यहाँ से जो है यात्री भर के बदना जा रही, उनका क्या हाल है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो दो दो चार चार नियम मन मर्जी से कैसे चल रहे, एक नियम होना चाहिए एक प्रदेश में। माता जी कहाँ से आई हैं आप? आज हम अहमदाबाद से आए, आज हमारा 16 दिवस थी। वो हमारे पास अम्मा है, छोटी छोटी गैस नहीं सकती, पानी नहीं मिलता, कैसे हूँ काजे आए लाए कैसे खबरा हूँ। अमुक तो माँ जी रोते है अहमदाबाद से आए, कुछ मिलता नहीं, हमें दर्शन करा बस भगवान का दर्शन था। कितने दिन हो गए आपको? आज 12 दिन होगा। 12 दिन खाने पीने का व्यवस्था है? खाने पीने के कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या कह रहा हूँ। छोटी छोटी अम्मा है वैसे तो ये नहीं, दाढ़ी करके अम्मा को लाई हूँ, दाढ़ी करके ₹40 क्या खाएगा वो, अम्मा तो आई नहीं सकती है। तो अम्मा जी क्या खाने पीने की दिक्कत और पैसे की दिक्कत? खाने पीने की दिक्कत है, पैसे लेकर आए थे घर पे थे खत्म हो गया है। घर वाला को बोलते हैं पैसे लेकर, एटीएम ही नहीं है, सबको कैसे पैसे लाएंगे, कह रही थे घर जाएंगे, इतनी परेशानी होती है, क्या करें हम। मोदी सरकार को वोट लेने गए, हाँ करने गए तो हल्ला मचाता है, पब्लिक पब्लिक तो कुछ याद नहीं आता पब्लिक को, मीटिंग को करने की है तो पब्लिक को सभा में पब्लिक भेगी खाती है। कितना दिक्कत हो रहा है, क्या बोला है आप? रिपोर्ट नहीं मिलता है, सब ज्यादा सब कोरोना का रिपोर्ट करा है, कोरोना का रिपोर्ट करा है, कोरोना का रिपोर्ट कराओ, कोरोना का रिपोर्ट सब सब कोरोना कराते हैं तो भी ऐसे बोलते हैं। 2 महीने के बाद आएगी ना टिप्पणी तो कोरोना चला जाएगा, कोरोना कुछ ही मिलने में नहीं आता है तो कोरोना नहीं होता, राजा हो जाएगी, अब कोरोना आ जाता है। ये सब गुजरात के आया हुआ है, सब गुजरात से अहमदाबाद से आए हम, तो अहमदाबाद लाती सब गाड़ी करके पैसा भी कोई भी करो पैसा भी नहीं हमारे पास, दर्शन तो करने। जब चुनाव होता है तो पूरी रैली में भीड़ रहता है, यात्रा पे नहीं है, वोट नहीं देंगे मोदी साहब को, हमको जाने दो, अगला परेशान सब परेशान हो रहे हैं, अहमदाबाद के लोग परेशान हो रहे हैं, क्या करता है क्या करता है, हमको जाने ऐसे इधर के लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि गुजरात के लोग ऐसे या करते हैं ऐसे ऐसे, इतनी हैरान है। मोदी साहब को बोल दो का मोदी साहब हमारा है तो हमारा क्यों ऐसा नहीं करना है, भगवान मानते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं करने देते। ठीक है ठीक है, गुजराती लोग ऐसे नहीं होते, भगवान का दर्शन नहीं करने देते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।